हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ उरई हुलकी माता मंदिर, और जो बहुत पास सालों बाद आई हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ और आना जाना थोड़ा कम होता है, और आज मैंने प्लान बनाया है कि मैं ज़रूर आऊँगी। और हुलकी माता मंदिर काफ़ी बदल गया है, तो मैं यहाँ के दर्शन कर रही हूँ, आपको भी सब दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे संग, देखिए हुलकी माता मंदिर। तो सबसे पहले मैं मारी है मैंने गेट से एंट्री, और देखिए ये सब हुलकी माता का मेन गेट है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है हुलकी माता मंदिर, और ये जो शिवलिंग है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही पड़ता है, तो आप ये देखिए बहुत बड़ा शिवलिंग है। बुंदेलखंड में इतना बड़ा शिवलिंग आपको नहीं मिलेगा। जुलाई के महीने के फर्स्ट वीक में जब मैं पहुँची, तो यहाँ पे इतना तेज़ पानी था कि परेशान हो गई थी, हिम्मत डगमगा गई थी, लेकिन फिर भी मैं गई और वहाँ दर्शन करने का मैंने प्लान बनाया। और जैसे ही मैंने एंट्री मारी, तो सबसे पहले शंकर भगवान का जो शिवलिंग स्थापित थी, तो वहाँ गए, वहाँ माथा टेका, भगवान से प्रार्थना की, भगवान सबकी खुशियाँ बनी रहें, सबकी झोलियाँ भर देना, सब किसी को कोई कमी ना रहे, भगवान जो भी मैंने गलतियाँ मैंने धोखे धंधे में मुझसे हो गई हूँ, मुझे भी माफ़ करना और आशीर्वाद अपना बनाए रखना। और यह जब मैं बहुत पहले आया करती थी, तब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ये खुले में शंकर भगवान के शिवलिंग था, लेकिन अब ये चारों तरफ से बंद हो गया है। बहुत अच्छा है और बहुत ही देखने में खूबसूरत, साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है। और मैंने सबसे पहले इन्हीं को इनका लिया है, सूट किया, ताकि स्टार्टिंग से पकड़ा जाए कि ये इनको पहले देखेंगे, फिर आगे चल के और भगवानों के दर्शन करेंगे। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे संग जो भी जुड़े हैं, सभी की भगवान मनोकामना जरूर पूरी करना। बोलो भोले बाबा की जय। और भोले बाबा के दर्शन मैंने कर लिए हैं, अब इसके बाद मैं सामने ही काली मैया का मंदिर स्थापित है, तो फिर मैंने वहाँ भी दर्शन करने का विचार बना के आगे बढ़ी। और ये हैं काली मैया, इनका भी पहले छोटी सी मढ़िया टाइप की होती थी और ये छोटी सी जगह पे बैठती थी, अब तो देखो काफ़ी बड़ा इनका एक अलग स्थान बन गया है। और बहुत ही सच्ची माँ हैं, हम तो इनके बहुत पुराने भक्त थे, इन्होंने हमारी बहुत मनोकामनाएं भी पूरी की हैं। भगवान इसी तरह सबका खुशियों से भंडार भरा रहे, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करती रहें। और सामने ही बोर्ड लगा था यहाँ पे भंडारा, जो यहाँ का मुख्य केंद्र बिंदु है, जो हुलकी माता मंदिर है, यहाँ पे भंडारा होता है दोनों टाइम, एक 12 बजे दोपहर में, एक शाम के 6 बजे। और यहाँ के में कोई भी भूखा नहीं जाता, माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती, सबका पेट भरती हैं, खुशियाँ सबको देती हैं, किसी को कोई भी ज़िंदगी में कमी नहीं आती। इनके दरबार में जो भी आता है, सबकी मनोकामना माँ पूरी करती हैं, बहुत ही सच्ची देवी हैं। इसी तरह सबकी खुशियों से सबके धन भरे रहें, भंडार भरे रहें, सबके बाल बच्चे खुश रहें, ये दुआएं मैं तो मांगती हूँ अपने लिए, साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे संग मेरे वीडियो देखते हैं और भगवान के दरबार में मेरे संग माथा जरूर टेकते हैं। फिर मैं सामने राम भगवान का मंदिर था, फिर मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी राम भगवान की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही श्रद्धा से मैंने उन्हें देखी। ये भी छोटे छोटे ही सब कुछ थे, अब तो बहुत अच्छा लगने लगा, देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये वही मंदिर है जहाँ मैं पहले आया करती थी। बजरंगबली जहाँ राम भगवान है, बजरंगबली ज़रूर होंगे, तो बजरंगबली का भी मैंने लिया, वो भी सामने ही थे, और मैंने उनका भी सूट किया। फिर मैं गई वहाँ हुलकी माता मंदिर, हुलकी माता मैया के पास, जो इस मंदिर का नाम भी है, और यहाँ जो देवी जी हैं, और वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सामने ही बैठी हैं, उनका जो कुछ भी है इस मंदिर में, वो अपने नाम से इतना फेमस है कि उस पर नाम ही ले लो हुलकी माता मंदिर, तो कहीं भी आपको कोई रिक्शा कोई भी होगा आपको पहुँचा देगा। ये तारा मैया बैठी हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा पूजनीय भी हैं, और हम लोगों ने हुलकी माता मंदिर के सामने ही भगवान के प्रवेश किया। और यहाँ पे 7 बजे का समय था आरती का, तो पंडित जी आरती भी कर रहे थे, तो साथ में सब लोगों ने हम लोगों ने आरती वगैरह भी उनके साथ में की,
और पंडित जी अपने उसमें थे और बहुत भक्तगण जी थे जो वो भी आए थे, सभी लोग उनका दर्शन कर रहे थे, साथ साथ में पंडित जी आरती भी ले रहे थे उनकी। बहुत अच्छा लग रहा था उनको सबको देखने में और बहुत शांति महसूस हो रही थी। कम से कम सालों बाद मैं आई हूँ, मुझे देवी मैया की आरती मिल गई है, बहुत बड़ी बात है। जब भी आप किसी मंदिर जाओ और आरती मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो समझ लो सार्थक हो जाता है वहाँ पर जाना। और मैंने वहाँ आरती करी और भगवान के दर्शन भी किए। और और ये वो स्थान है, यहाँ पे भंडारा का खाना बनता है। वहाँ पे छोटा सा एक रूम भी था, वहाँ पे लोग भंडारे का खाना की तैयारियाँ चल रही थी और वहाँ भंडारा होता है। अच्छा, तो इनका नाम हुलकी माता क्यों है? हुलकी माता का मतलब माता ये है जो। अच्छा 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 हरदौल की भाभी जी हैं। अच्छा देवर भाभी हैं जो लोग हैं। इसीलिए पड़ा उनका नाम। और अब बाबा कितने साल से यहाँ पे हो? हमें हो गए कम से कम लगभग 20 साल यहाँ पे। अच्छा, पहले थे। हाँ, कोई और थे पुजारी। हाँ, हम लोग बचपन में बहुत आते थे, इसके बाद हमारे 40 साल रहे। अच्छा, पहले जो और थे कालिदास जी बाबा थे, उनके पहले और कुछ रहे। पहले तो जना पुजारी का कला रहा, उसके पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, बहुत सादा सिंपल बना था, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है नहीं, अब काफ़ी अच्छा बन गया। और यहाँ पे जो मानता है भंडारे की, वो कैसी मानता है? भंडारा चालू हुआ है 1 नवंबर 1989। अच्छा, जब आज कम से कम 36-37 साल हो गए। अच्छा, दोनों टाइम भोजन चलता है, कोई भी आए, फिर भूखा होना चाहिए, कोई भी हो, वाला हो, बाबा हो, दादू सन हो। अच्छा, दो पहले तो शायद एक बार खाया जाता दोपहर के टाइम। अच्छा, हाँ, अब 8 साल हो गए, कम से कम 8 साल से दोनों टाइम भोजन चलता है। अच्छा, अच्छा, तो दोनों टाइम आप पेट भर खाना खा सकते हैं? पक्का भोजन चलता है, जिसमें दो एक सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, रायता, सलाद, पापड़, लड्डू सब पूरा। अच्छा, तो जो लोग दान वगैरह करते होंगे वो लोग यहाँ पे आके अपना जमा कर सकते हैं? जिसको जैसे करवाना होता है, कोई बोल देता है कि काम बन जाएगा तो भंडारा करवा देंगे। अच्छा अच्छा, या किसी को जन्मदिन पे अपने करवाना है तो अपने जन्मदिन पे करवा देता है। अच्छा, किसी को करवा देता है, कोई नहीं आता है, मंडली कराते हैं, मतलब कार्यकर्ता होंगे आपके साथ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ चालू हुआ है। नहीं, इसी नाम से और भी ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ ऐसा दरबार है जहाँ परमानेंट खाना मिलता है, ये चीज़ और भी है। कोरोना काल में भी बड़े बड़े मठ मंदिर बंद हो गए। अच्छा, यहाँ बंद नहीं हुआ? माता का दरबार था तो पूजा बंद हुई, ना आरती बंद हुई, ना भक्तों का आना बंद हुआ, ना भंडारा बंद हुआ। ये बात बताओ, दोनों टाइम भंडारा चला। ये बात, भंडारा चलने के साथ साथ में जो रोड पे लेटे हुए थे, जो लोग रुके हुए थे, उन लोगों को भोजन की पूर्ति करी गई गाड़ी से। तभी तो माँ का और भी ज़्यादा वो ऐसा ही, बहुत सच्चा दरबार है वहाँ। इतना सहयोग मिला कोरोना काल में कि आप चलाओ। हाँ, नहीं, और इनकी तो कृपा है ही, इनकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है।
कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, बंद हो गई। लेकिन ये पास नहीं, इनका नाम ही बहुत है भैया, बहुत सच्ची माँ, बोल सच्चे दरबार की जय। आपने देखा मुल्की माता मंदिर में आरती हो गई और पंडित जी से मैंने बात भी कर ली, और यहाँ के बारे में जो जानकारी मुझे भी नहीं थी, मैं बहुत छोटे में आया करती थी, और वो जानकारी मैंने आपको दी कि इनका नाम मुल्की माता क्यों पड़ा, इसके बारे में पंडित जी ने बताया है, और सारी जानकारी मैंने इकट्ठी की। यहाँ भंडारा होता है, अगर आप पास में हो तो अगर आपकी इच्छा है पूरी भंडारा भी करा सकते हैं या प्रसाद रूपी ले भी सकते हैं। बहुत सच्ची माता है, सबकी मनोकामना जरूर पूर्ति करते, एक बार जरूर आइए उनकी माता मंदिर जो राजेंद्र नगर में करमी रोड पर स्थित है। आना ना भूलिए जरूर दर्शन के लिए। बने रहिए मेरे संग मेरे ब्लॉग देखने के लिए, इसी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बोले बोलो जय माता की।